वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म साउथ इंडियन डिश इडली सांभर। यह बहुत ही टेस्टी डिश बनती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए मेरे साथ मेरे किचन में। मैं ले रही हूँ एक बड़ा बाउल लीजिए। इसके अंदर हम डाल लेते हैं चावल। आप कोई से भी ले सकते हैं, जौन से भी आपके पास हो, जौन से अवेलेबल हो आपको। चाहे तो आप चावल की टुकड़ी भी ले सकते हैं, छोटे चावल भी ले सकते हैं। तो मैं ये 750 ग्राम चावल ले रही हूँ। ये 250 ग्राम के 3 कप भर के ले रही हूँ मैं। जितनी क्वांटिटी में आपको इडली चाहिए आप इस हिसाब से अपने चावल लीजिए। ज़्यादा चाहिए तो जाहिर सी बात है ज़्यादा भिगोइए आप चावलों को। और ये 3 कप चावल ले लिए मैंने। और मैं ले रही हूँ ये 1/2 कप चने की दाल। चने की दाल से हमारी इडली बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनेगी। और मैं ले रही हूँ ये उड़द की दाल 1/2 कप। इससे एकदम स्मूथ और चिकनी इडली बनेगी। तो आप इस तरह से 1/2 कप तो चने की दाल ले लें, 1/2 कप उड़द की दाल। और 2 चम्मच भर के डाल रही हूँ मैं मेथी दाना। ये मेथी दाना भी आप ले लें। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और अच्छे साफ पानी से धोकर आप इसको रख लें। ये मैंने साफ पानी से अच्छे धो लिया 3 बार। और इसके बाद आप थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी लें और चावल के से क्वांटिटी से डबल पानी डालकर आप इसको भिगोने के लिए रात भर के लिए रख दें। या तो आप रात भर के लिए रख दें या 5 से 6 घंटे के लिए आप कवर करके अच्छे से रख दें इसको भीगने के लिए। और अब ये मैंने ओवरनाइट को इसको भीगने के लिए रख दिया था। देखिए कितने अच्छे से फूल गए, ये देखिए कितने अच्छे फूल गए और ये गल भी गए काफ़ी सारे। इसने अच्छा पानी को सोख करके अच्छे से गल गए। तो अब इसको हम निकाल कर और मिक्सी के जार में अच्छे बारीक सा पीस लेंगे, एकदम बारीक पेस्ट बनाएंगे हम। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप पीस लें। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी ऐड करते जाएं इसके अंदर हम, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पानी की मत रखिए, पतला हो जाएगा तो हमारी इडली बहुत अच्छी सॉफ्ट नहीं बनेगी और जालीदार नहीं बनेगी। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा पतला मत करिएगा, एकदम गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर इसका रखिएगा। ये देखिए इस तरह से आप गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। और दूसरे पतीले में निकाल लेती हूँ मैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप कितनी अच्छी है, थिकनेस इसकी। तो इतनी ही बना लें। और ये मैंने पूरा मटेरियल इडली का पीस के रख लिया है एकदम बारीक सा, देखिए। और मैं इसको हाथ से ही अच्छे से फेंट लूँगी ताकि अच्छे से फॉर्मेट हो जाए। हमारे हाथ की गर्मी से ये बहुत अच्छे से फॉर्मेट हो जाएगा। और हाथ से इसको अच्छे से फॉर्मेट कर लें आप। और देखिए कितना सा, उसको 10 मिनट के लिए मैंने अलग रख दिया था। अब मैं इसके ऐड कर रही हूँ इसमें नमक, 1/2 चम्मच नमक डाल लिया है। और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम हम खाने का सोडा डाल लेंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करके फिर हम 10 मिनट के लिए और इसको रख देंगे साइड में। अब ये 10 मिनट बाद हम देख लेते हैं। ये इडली का हमारा जो डो था बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, देखिए कितना बढ़िया सा। अब इसकी थिकनेस भी देख लें, इतनी ही रखी है तो इससे हमारी इडली बहुत जालीदार बहुत अच्छी टेस्टी बनेगी। अब दूसरे साइड मैंने ले लिए इडली के सांचे। और ये इडली की प्लेट में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर लूँगी। ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है इसका, वरना ये हमारी इडली डिमोल्ड नहीं हो पाएंगी। तो आप चाहे तो ऑयल से, बटर से या घी से, जिससे भी चाहें इसको ग्रीस कर लें हल्का सा। इस तरह एक एक करके सारी सांचों को ग्रीस करके आप साइड में रख लें। और अब दूसरे साइड मैंने एक पॉट ले लिया था जो इसका इडली पॉट होता है, इसमें मैंने पानी डाल के रख दिया था भाप बनने के लिए, गर्म हो गया हमारा। और इस तरह से आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप हाथ में सांचे की प्लेट्स लेकर मत भरिए, और फिर रखेंगे तो आपके इडली का जो मटेरियल है वो भी ढुलेगा भी और बार बार भाप से हाथ भी आपके जलेंगे। तो आप सांचे के अंदर ही प्लेट को रख दें और ऊपर से फिर चम्मच की हेल्प से आप इस तरह उसको भर दें। तो ये ट्रिक आप ध्यान रखिएगा, इसके आपके हाथ नहीं जलेंगे, बहुत अच्छे से बन भी जाएगा और आपके इडली का मटेरियल बाहर भी नहीं ढुलेगा। इस तरह एक एक करके आप पूरे सांचे भर लें और इसको 15 से 20 मिनट के लिए भाप पर रखे रहने। और देखिए एक 20 मिनट बाद मेरा इडली बनके पूरी तरह से तैयार हो गई, देखिए कितनी बढ़िया। और इसको मैं चेक भी कर लेती हूँ एक टूथपिक की मदद से।
देखिए पूरी तरह इडली हमारी बनकर तैयार हुई है, एकदम बढ़िया सी इडली। और इसको एक स्पैचुला की मदद से मैं इसको डिमोल्ड कर लेती हूँ ऐसे साइड से निकाल कर। तो तैयार है मेरी गर्मा गर्म एकदम बढ़िया सी इडली, जालीदार एकदम सॉफ्ट सी इडली। तो इस तरह आप इडली बनाइए, गर्मा गर्म खाइए, खिलाइए। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर तड़का भी लगा सकते हैं, हरी मिर्च, राई और कड़ी पत्ते का। ये देखिए कितनी बढ़िया इडली बनकर तैयार हुई है। इसको आप सांभर और खोपरे की चटनी के साथ इसको इंजॉय कीजिए, फैमिली को दीजिए। और मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, पास में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए जो एकदम फ्री है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बन रही है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह आप अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए। मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। चलिए होती है आप अगली ऐसी टेस्टी रेसिपी के साथ मुलाकात। थैंक्स मच। ऐसे ही टेस्टी रेसिपीज का मजा लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।